हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता, वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, अगले 6 महीनों में कमाई के झंडे गाड़ने को तैयार है बॉलीवुड, क्योंकि हर महीने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी कम से कम एक बड़ी फिल्म। पिछले कई सालों से साल के पहले 6 महीने में 200 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली कम से कम 2 फिल्में और 100 करोड़ तक की 2-3 फिल्में रिलीज हो जाती थी। लेकिन फिर कोरोना आ गया और लॉकडाउन लगा, थिएटर्स बंद हो गए, और जब खुले तो साल दर साल कलेक्शन के नए रिकॉर्ड बना रही बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ने लग गई। कारण, लोगों के मन में बॉलीवुड के प्रति गुस्सा और साउथ फिल्मों में दिलचस्पी थी। मगर 6 महीने में बॉलीवुड के पास धमाकेदार वापसी का जोरदार मौका है। अब देखना ये है कि इस मौके का फायदा बॉलीवुड उठा पाता है या नहीं। जी हाँ, इस साल जुलाई से दिसंबर तक बॉलीवुड के तरफ से धमाकेदार फिल्मों की वापसी होने वाली है। 2022 के पिछले 6 महीने बीत चुके हैं। साल के पहले आधे हिस्से में बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पर हालत दमदार तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती थी। थोड़ा पीछे जाएं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री साल की पहली छमाही में बड़ी बड़ी हिट्स देती आ रही थी। चाहे 2018 में पद्मावत, बागी 2 और संजू हो, 2019 में आई उरी कबीर सिंह, या 2020 में आई तानाजी हो और बागी 3 हो। पर कोरोना और लॉकडाउन के बाद से 2021 में तो हिंदी फिल्मों की कमाई पर ग्रहण सा लग गया। लेकिन 2022 की शुरुआत से जब थिएटर अपने पूरे रंग में लौटे तो साउथ की फिल्म RRR और KGF चैप्टर का ही जलवा रहा। हालांकि इस बीच बॉलीवुड की तरफ से एक सरप्राइज धमाका हुआ, जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 2 ने भी लगभग 184 करोड़ और गंगूबाई काठियावाड़ी ने 129 करोड़ कमा करके बॉलीवुड की थोड़ी सी नाक बचाई। मगर कुल मिलाकर हिंदी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर मामला टेंशन भरा ही रहा। हालांकि जुलाई का महीना शुरू होने के साथ ही बॉलीवुड फैंस के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और वो थिएटर्स में लाइन लगाने के लिए अब पूरी तरह से रेडी हैं। 2022 के सेकेंड इनिंग में बॉलीवुड के पास वो बारूद भरा हुआ है जिसे बॉक्स ऑफिस पर हर महीने बड़े से बड़ा धमाका होने के आसार हैं, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक हर महीने बॉलीवुड से कम एक बड़ी फिल्म रिलीज होगी। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी हैं ये फिल्में। पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई मंथ की। जुलाई में एक्शन स्टार और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 8 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर जिसने भी देखा उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ट्रेलर की सफलता और खुदा हाफिज पार्ट 1 की सफलता को देखकर लगता है कि खुदा हाफिज चैप्टर 2 एक अच्छी खासी हिट साबित हो सकती है। जुलाई में ही रणवीर कपूर के लंबे ब्रेक के बाद स्क्रीन पर लौट रहे हैं। 22 जुलाई को आने वाली उनकी फिल्म शमशेरा का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही आया है। इस ट्रेलर में रणवीर तो रणवीर, संजय दत्त को देखकर लोग चौंधिया जा रहे हैं। शमशेरा का ट्रेलर का फील, कहानी, विजुअल और कास्ट सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि फिल्म बड़ी हिट हो सकती है। फिर 29 जुलाई को जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया की एक विलन रिटर्न रिलीज होने वाली है। फिल्म से बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीद ना भी की जाए तब भी जॉन इब्राहिम की अपनी फॉलोइंग, पिछले फिल्म एक विलन का भोकाल और एक्शन थ्रिलर का फॉर्मूला इस फिल्म को सरप्राइज हिट बना सकता है। अब बात करें अगर अगस्त मंथ की तो 11 अगस्त को तो आमिर खान की स्क्रीन वापसी होने वाली है। उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर माहौल पूरा सेट है। आमिर करीना की जोड़ी ऑस्कर जीतने वाली कहानी का रीमेक फिल्म को हिट करवाने का पूरा मसाला यहां मौजूद है। लेकिन अक्षय कुमार भी 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन के साथ आमिर से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। रक्षाबंधन को लेकर पहले कोई माहौल नहीं था, मगर ट्रेलर आने के बाद फिल्म इमोशनली और पारिवारिक अपील से माहौल बना रही है। और अक्षय का बॉलीवुड ऑफिस रिकॉर्ड कहता है कि अपने दिन पर उनकी फिल्में कुछ कमाल कर सकती हैं। खैर, मुझे लाल सिंह चड्ढा से ज़्यादा रक्षाबंधन से उम्मीद है। बात करें सितंबर मंथ की तो 9 सितंबर को वो फिल्म रिलीज होगी जिसके लिए 2022 की शुरुआत से माहौल बना हुआ है। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय की ब्रह्मास्त्र इस साल की सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म होने का मादा रखती है। ऊपर से पैन इंडिया फिल्म है, ये 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है तो माहौल और भी जोरदार है। ब्रह्मास्त्र को डटकर कमाने के लिए अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा, क्योंकि अगली बड़ी फिल्म विक्रम वेदा सीधा 30 दिसंबर को रिलीज होगी। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेदा से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ट्रेलर आने के बाद इसका माहौल अचानक बनेगा और फिर रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनेंगे। हालांकि ये फिल्म साउथ फिल्म विक्रम वेदा का ही रीमेक है, अब क्या करें, बॉलीवुड के पास ओरिजिनल कंटेंट की सख्त कमी जो ठहरी। अगर बात करें अक्टूबर मंथ की तो अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक गॉड 24 अक्टूबर को रिलीज होगी। अक्षय की फिल्म जब से अनाउंस हुई है तब से चर्चे में है। वहीं अजय सिद्धार्थ की फिल्म के बारे में सब कुछ छुपा कर रखा गया है, मगर अजय बॉक्स ऑफिस पर क्या कर सकते हैं ये बॉलीवुड फैन को पता है। अब नवंबर में बात आएगी। नवंबर में भूल भुलैया 2 से बॉक्स ऑफिस किंग बने कार्तिक आर्यन के शहजादा
4 नवंबर को रिलीज होगी। ये अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरम का हिंदी रीमेक है और शहजादा के कारण ही मैं अला वैकुंठपुरम आज तक हिंदी डबिंग में नहीं देख पाई। खैर, इस फिल्म में कार्तिक की जोड़ी कृति सेनन के साथ है, मतलब इसमें सुपरहिट होने के सभी गुण हैं। 18 नवंबर को अजय देवगन दृश्यम 2 से बॉक्स ऑफिस की गाड़ी को चलाए रखेंगे, तो वहीं स्त्री से शुरू हुई भूतिया यूनिवर्स में अगली फिल्म वरुण धवन की भेड़िया भी 25 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। और दिसंबर मंथ में रोहित शेट्टी और रणबीर कपूर का कॉम्बो 23 दिसंबर को सर्कस लेकर आने वाला है। इसी दिन उनके सामने टाइगर श्रॉफ कृति सेनन की एक एक्शन धमाका गणपति रिलीज होगी। और रही सही कसर 30 दिसंबर को सलमान खान पूरी कर देंगे, उनकी कभी ईद कभी दिवाली इस दिन रिलीज होगी और सलमान फैंस फिर से बॉक्स ऑफिस को हरा भरा कर सकते हैं। तो जुलाई 2022 से लेकर साल के अंत तक हर महीने एक बड़ी फिल्म रिलीज होनी तय है और अगर इनमें से कोई फिल्म अगर नहीं भी चलती है तो नुकसान तो फिल्म मेकर्स का होगा, मगर ये तय है कि मौज यकीनन दर्शकों की होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।